सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में। इसका नाम द बी स्पोर्ट्स, जहां पर मिलता है फुटबॉल से लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ और ट्रांसफर रूमर्स। तो शुरू करते हैं इसकी वीडियो पहला किस तरीके। तो सबसे पहले और बात करते हैं हीरो आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में कल था मैच एफसी गोवा वर्सेस जमशेदपुर एफसी का, एंड ये मैच एफसी गोवा ने 3-0 से एक बहुत ही इजीली जीत लिया है। एंड अगर हम लोग कल का मैच का बात करें तो एफसी गोवा का ओके जॉर्ज ऑर्टिज मेंडोजा ने 2 गोल किया है, एंड इवन गरीडो गोंजालेस ने 1 गोल किया है। एंड इवन गरीडो गोंजालेस ने जो गोल किया है वो मैं बोलूंगा कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल ब्रिलियंसी था इवन गोंजालेस का, एंड एक काफी बढ़िया गोल था मैं बोलूंगा। एंड जॉर्ज ऑर्टिज मेंडोजा ने जो 2 गोल किया वो एक मेरे टीम वर्क ही बोलूंगा। एंड जॉर्ज ऑर्टिज मेंडोजा को और भी ज्यादा गोल करना चाहिए था, मतलब कल के मैच में जितना ज्यादा मौका मिला है जॉर्ज ऑर्टिज मेंडोजा को एटलीस्ट हैट्रिक करना चाहिए था, बट फिर भी जॉर्ज ऑर्टिज मेंडोजा का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था। एंड अगर हम लोग कल का मैच का बात करें तो एफसी गोवा का ओके नवीन कुमार का परफॉर्मेंस कल बहुत ज्यादा अच्छा था, एंड ओवरऑल कल एफसी गोवा का टीम का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था। एंड अगर हम लोग जमशेदपुर एफसी का बात करें तो जमशेदपुर एफसी का परफॉर्मेंस कल बहुत ज्यादा एवरेज या बिलो एवरेज भी आप बोल सकते हो। आइटन मुंडरा का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, जैकी चैन सिंह ने भी थोड़ा मोड़ा ट्राई किया है, बट डिफेंस बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस था कल जमशेदपुर एफसी के डिफेंस का, क्योंकि जमशेदपुर एफसी के डिफेंस में एक वॉइड जैसे खालीपन लग रहा था, एंड उसी ओपन एरिया का एडवांटेज लिया एफसी गोवा ने कल के मैच में। सर अभी के लिए तो जमशेदपुर एफसी का ये टॉप 4 पोजीशन में रहना काफी ज्यादा टफ है। करेंटली जमशेदपुर 7th पोजीशन में आ चुके हैं, एंड काफी खराब बात है ये जमशेदपुर एफसी जैसे टीम के लिए। सर देखते हैं क्या जमशेदपुर एफसी कमबैक कर पाते हैं नहीं, मतलब आप क्या लगता है इस मैच के बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज का जो मैच है वो है केरला ब्लास्टर्स एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल, एंड एक काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा देखना, क्योंकि ये काफी डू और डाई मैच है दोनों ही टीम के लिए, अगर दोनों ही टीम को टॉप 4 के कॉम्पिटिशन में रहना है तो। एंड अगर हम लोग रिसेंट परफॉर्मेंस का बात करें दोनों ही टीम का, तो ईस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस केरला ब्लास्टर्स एफसी से काफी ज्यादा अच्छा है, एंड देखने लायक हो कि ये मैच कौन जीतता है। मतलब मेरे हिसाब से ईस्ट बंगाल एक अपर हैंड रखते हैं इस मैच में, मतलब आप क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुरक्षित अलावर एटी के मोहन बगान की तरफ से तो कुछ रिपोर्ट्स ये बोल रहे कि फकुंडो पेरेरा एटी के मोहन बगान में जा सकते हैं, बट मार्कस सन ने बोला है कि नहीं, फकुंडो पेरेरा अभी के लिए तो केरला ब्लास्टर्स एफसी में ही रहेंगे, एंड जो कि मेरे हिसाब से सही है क्योंकि फकुंडो पेरेरा का परफॉर्मेंस केरला ब्लास्टर्स एफसी में अच्छा ही है मैं बोलूंगा। एंड एटी के मोहन बगान डेविड विलियम का एक सब्स्टिट्यूशन चाहता है, क्योंकि डेविड विलियम का परफॉर्मेंस इस सीजन में उतना कुछ अच्छा है नहीं, एंड इसी के वजह से एटी के मोहन बगान को दूसरे प्लेयर्स के ऊपर इंटरेस्टेड है, एंड वो लोग देख रहे कि अगर कोई दूसरे प्लेयर का साइनिंग वो कंप्लीट कर सके तो डेविड विलियम के बदले में। एंड डेफिनेटली फकुंडो पेरेरा एक अच्छे खासे ऑप्शन है, बट चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि फकुंडो पेरेरा आईटी के मोहन बगान में जाए। मतलब आप क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुरक्षित आ रहा है उड़ीसा एफसी की तरफ से, तो उड़ीसा एफसी ने न्यू क्लब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया है, एंड उड़ीसा एफसी के न्यू क्लब प्रेसिडेंट है राज अथवल। तो राज अथवल के पास 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उन्होंने काफी सारे ब्रिटिश क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो एक्सपीरियंस उनके पास बहुत सारा है। वो वैटफर्ड कॉन्वेंट्री क्लब एंड ग्लासगो रेंजर्स जैसे क्लब्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो डेफिनेटली ये काफी बढ़िया चीज है उड़ीसा एफसी के लिए। एंड देखते हैं कि राज अथवल के अंडर उड़ीसा एफसी एज अ टीम कैसे डेवलप करते हैं। बाय द वे इस चीज के बारे में आप क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुरक्षित आ रहा है एफसी गोवा की तरफ से, तो एफसी गोवा ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया धीरज सिंह का, एंड ये एक्चुअली टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही कवर किया है। एंड धीरज सिंह जो कि 20-year-old गोलकीपर है, एंड मेनली धीरज सिंह को एफसी गोवा ने साइनिंग किया क्योंकि मोहम्मद नवाज के साथ एफसी गोवा का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। मोहम्मद नवाज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी साल खत्म हो रहा है, मतलब इसी सीजन में खत्म हो रहा है, एंड इसी के वजह से एफसी गोवा धीरज सिंह जैसे गोलकीपर के ऊपर इंटरेस्टेड थे, एंड धीरज सिंह के साथ एफसी गोवा ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। एंड एटी के मोहन बगान के मैनेजमेंट ने बोला है कि जब तक एफसी गोवा वर्सेस एटी के मोहन बगान का मैच नहीं होता तब तक ये अनाउंसमेंट ऑफिशियल नहीं किया जा सकता है, एंड मेरे हिसाब से एफसी गोवा की तरफ से काफी अच्छा डिसीजन है क्योंकि धीरज सिंह डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा यंग एंड टैलेंटेड गोलकीपर है, एंड उनको भी मौका मिलेगा एफसी गोवा के फर्स्ट 11 में, तो ये काफी बढ़िया बात है एफसी गोवा के लिए भी एंड धीरज सिंह के लिए भी। देखने लायक होगा कि धीरज सिंह का परफॉर्मेंस एफसी गोवा का ओके कैसा रहता है। मतलब इस साइनिंग के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुरक्षित और हैदराबाद एफसी की तरफ से, तो हैदराबाद एफसी बहुत ही ज्यादा क्लोज है मोहम्मद नवाज का साइनिंग कंप्लीट करने के लिए, एंड मोहम्मद नवाज का साइनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुब्रत पॉल थोड़ा सा इंजरी से भी जा रहे हैं, एंड मोहम्मद नवाज जो कि 20-year-old गोलकीपर है काफी ज्यादा यंग है टैलेंटेड गोलकीपर है मोहम्मद नवाज, एंड एफसी गोवा का उनका परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा अच्छा है ही। एंड
मैं बोलूंगा ये काफी अच्छा ही साइनिंग होगा हैदराबाद एफसी के लिए, क्योंकि डेफिनेटली मोहम्मद नवाज एक काफी ज्यादा अच्छे गोलकीपर है एंड हैदराबाद एफसी को एक अच्छा गोलकीपर का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लक्ष्मीकांत कट्टीमनी का परफॉर्मेंस कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं एंड सुब्रतो पॉल इंजर्ड है, तो एक सब्स्टिट्यूशन तो चाहिए हैदराबाद एफसी को। सो डेफिनेटली मोहम्मद नवाज एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है उसके लिए। सर देखते हैं कि क्या मोहम्मद नवाज हैदराबाद एफसी में जाते हैं नहीं। सो नेक्स्ट इधर हमारा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बहुत ही ज्यादा क्लोज है डिशन ब्राउन का साइनिंग कंप्लीट करने के लिए एंड नॉर्थ ईस्ट एफसी डिशन ब्राउन को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेसी अपिया इंजर्ड है तो एज अ रिप्लेसमेंट साइनिंग ही ये होगा एंड डेफिनेटली बैंगलोर एफसी डिशन ब्राउन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि डिशन ब्राउन का परफॉर्मेंस कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं आईएसएल में एंड ओवरऑल अगर हम लोग परफॉर्मेंस का बात करें डिशन ब्राउन का आईएसएल में तो वो खराब ही रहा है एंड डेफिनेटली मिड सीजन में ये ट्रांसफर हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट एफसी कुछ तो जरूर सोचे होंगे कि डिशन ब्राउन को अपनी टीम में ला रहे, बट देखने लायक हो कि अगर ब्राउन नॉर्थ ईस्ट एफसी में आते हैं तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है एंड ये साइनिंग कंप्लीट होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है, तो हम लोग शायद कुछ ही दिनों के अंदर ये ऑफिशियली हम लोग को पता चल जाए कि डिशन ब्राउन नॉर्थ ईस्ट एफसी में जाएंगे एंड देखते हैं कि डिशन ब्राउन का परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट एफसी का ओके कैसा रहता है, मतलब आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताना। सो नेक्स्ट है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में आज पीएसजी, तो पीएसजी इंटरेस्टेड है डेली अली के ऊपर, तो डेली अली जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है एंड टॉटेनम में उनको मौका ज्यादा मिल नहीं रहा है, इसी के वजह से पोचेटिनो चाहते हैं कि डेली अली पीएसजी में आए एंड डेफिनेटली पोचेटिनो अपने फॉर्मर प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करना ही चाहेंगे एंड मेरे हिसाब से डेली अली को भी कोई दूसरे क्लब में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है डेली अली एंड इंग्लैंड के नेशनल टीम में भी उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है एंड काफी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इंग्लैंड के नेशनल टीम के लिए एंड नेशनल टीम के प्लेयर्स को अगर फर्स्ट इलेवन में मौका नहीं दिया जाएगा तो डेफिनेटली उनका परफॉर्मेंस डिटोरिएट होगा एंड इसी के वजह से डेली अली भी चाहते कि वो कोई दूसरे क्लब में जाए एंड टॉटेनम भी ये चाहते कि डेली अली को वो छोड़ दे। सो डेफिनेटली डेली अली पीएसजी में जा सकते हैं, काफी बढ़िया ऑप्शन है अभी के लिए तो पीएसजी में जाना एंड देखते कि क्या डेली अली पीएसजी में जाते या नहीं, मतलब जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, मतलब इस डील के बारे में आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताना। सिलेक्शन अलावा लिवरपूल को लेकर, सो लिवरपूल इंटरेस्टेड है बेन व्हाइट के ऊपर, तो बेन व्हाइट जो कि 23 ईयर ओल्ड सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर है एंड वो ब्राइटबर्न के प्लेयर एंड उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है अभी के लिए तो प्रीमियर लीग में एंड लिवरपूल को जैसे हम सबको पता है लिवरपूल को एक सेंट्रल बैक डिफेंडर का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वर्जिल वैन डाइक इंजर्ड है एंड डेफिनेटली बेन व्हाइट एक काफी बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि लिवरपूल उपमिकेनो जैसे डिफेंडर्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं बट उपमिकेनो को और भी बहुत सारे क्लब्स अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं जैसे कि मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बायर्न म्यूनिख, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई है, तो बेन व्हाइट एक मेरे हिसाब से काफी बढ़िया ऑप्शन है लिवरपूल के लिए एंड चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि बेन लिवरपूल में चले जाए एंड डेफिनेटली लिवरपूल को एक ट्रांसफर फी पे करना होगा, क्योंकि बेन व्हाइट का कॉन्ट्रैक्ट ब्राइटबर्न के साथ 2024 तक का है। सर देखते हैं कि क्या बेन व्हाइट लिवरपूल में जाते हैं या नहीं, बाद में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।